गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ संस्कृत। क्लास 8 के बच्चों, आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं संस्कृत में। डीजी भारतम, इसका अर्थ है डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, आप लोग जानते हो डिजिटल यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताया गया है। और पहले समय का और वर्तमान काल में कंपैरिजन बताया गया कि पहले क्या था और अब धीरे 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 विकास होकर के हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी यानी भारत जो है हमारा टेक्नोलॉजी के बेस पे कितना आगे बढ़ गया है। अध संपूर्ण विश्व, अध यानी अब संपूर्ण विश्व यानी पूरा विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रुतिये। अभी जो है इस समय में संपूर्ण विश्व में पूरे भारत विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है। चर्चा है अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ति। इस शब्द डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इसके लिए सभी के लोगों में मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसके बारे में जाने क्या है। ये काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तने, समय बदलने के साथ में मनुष्यों की आवश्यकताएं भी बदलती गई। परिवर्तन यानी चेंज होता गया। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, पुराने जमाने में लोग बातचीत करके ही अपने भावों को मन के भावों को प्रकट करते थे। तो ज्ञान से आदान प्रदान यानी आपस में लेने देने का जो बातचीत होती थी वो सिर्फ मुंह से बोल करके हम करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहते स्म, आश्रम में ऋषि मुनि जो पढ़ाते थे उसे में लिखते थोड़ी थे, वो लोग सिर्फ बोल के ही समझाते थे। बोल करके इस मंत्रों का श्लोक तो उच्चारण करवा करके ही समझाते थे, मतलब श्रुति परंपरा यानी सुन करके और श्रवण करके बोल करके। अनंतरम धीरे धीरे ताल पत्रों परि भोज पत्रों परि च लेखन कार्यम आरब्धम, धीरे धीरे ताल पत्र पर लिखने का भोज पत्र पर लिखने का कार्य शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदश्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेशामेव मनोगतानाम भावानाम कर्गदो परिलेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काले यानी समय बदलते कर्गदश्य लेखन्या, कर्गदश्य कागज, लेखन्या यानी कलम, कागज और लेखनी यानी कलम का आविष्कार हुआ जो कि सभी के मन के भावों को कागज पर लिखने के लिए काम में लेते थे। कागज और लेखनी, कर्गदश्य मने कागज और लेखनिया मने कलम पेंसिल। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपराइटर, टंकण यंत्र से टाइपराइटर का आविष्कार होने से जो टाइपिंग मशीन से हम जो प्रिंटआउट नहीं टाइप करते थे, प्रिंटआउट नहीं टाइप करते थे, टाइपिंग करते थे ना, तो पेपर पे निकलता था, उसको हम कितने ही सालों तक एज इट इज सुरक्षित रख सकते, ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक प्रगति हुई, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ बच्चों। अध सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, और आज जो है हमारे सारे कार्य कंप्यूटर के, संगणक माने कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से सारे साधन साधनाती यानी कार्य पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च,
समाचार पत्र, पुस्तक, कोई भी बुक हो आप फटाफट नेट पे सर्च कर लेते हो। आज टाइम्स ऑफ इंडिया देखना है, फटाफट आपने मोबाइल पे लिखा और टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे आ गया। तो ये क्या है कि समाचार पत्राणी पुस्तकानी च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ते भी हैं और लिख भी सकते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्त स्म। कर्गदो उद्योग माने कागज के उद्योग के लिए वृक्षों की कटिंग, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग हुआ और उसमें वृक्ष काटने पड़े बच्चों। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यन्ति इति विश्वास। परम यानी आज भी कंप्यूटर आने से और कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज करने से हमें पेपर्स की आवश्यकता कम हो गई, तो पेपर के उद्योग के भी कम हुए, इससे पेड़ों की कटाई भी कम हो गई। तो ये बताया गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसीलिए आज एनवायरमेंटल इफेक्ट ये हुआ है कि वृक्ष हमारे एज इट इज़ हैं, हमें कटिंग नहीं करनी पड़ रही है, तो हमारे लिए पर्यावरण सुरक्षा का ये बहुत अच्छा उपकार है कि हमें कटिंग वृक्षों की कटिंग कम करनी पड़ रही है। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रुपयकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी अब हमारे को, आपने यानी बाजार में कोई चीज़ वस्तु को खरीदना, क्रया खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत हमेशा नहीं है, रुपया नाम यानी रुपयों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपयकाणाम स्थानाम गृहीतवंत। यानी रुपयों की जगह अब स्थान किसने ले लिया है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोष यानी फाइनेंशियली हम जो भी वर्क करते हैं बैंक में वो सारे कंप्यूटर से होते हैं। कस्टमर के नेम है, कस्टमर को डिपॉजिट करवाना है, विड्रॉल करवाना है, सारा काम हम कहाँ से करते हैं? बैंक से। और बैंक में सारा काम किससे होता है? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के माध्यम से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हम डिपॉजिट, विड्रॉल और कुछ भी बैंक का हमें कस्टमर में न्यू अकाउंट खुलवाना है तब भी हम ऑनलाइन अकाउंट करवा देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें कहाँ से मिल गई है? कंप्यूटर से। बहुविध्या अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजेक्शन सहायिका संति। इसीलिए हमारे को, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो हमें डाउनलोड करते हैं फटाफट, हम पेटीएम यानी हम इलेक्ट्रिक बिल अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं। और बहुत सारे वर्क हैं जो हम ऑनलाइन, जैसे अमेजोन से आपने कोई चीज़ें मंगाई, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो ये सारे हमारे समाधान यानी सॉल्यूशन हो गए जिसमें हमें कोई कैश की जरूरत नहीं होती। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध नास्ति। कुत्राणि यानी कहीं भी हमें कोई भी जगह यात्रा करनी हो तो उस समय हमें रेल यात्रा के लिए पत्र और वायुयान यानी उसके लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रायाम आनंदम गृहम। इसीलिए सर्वाणि पत्राणि अस्माकं यानी सभी तरह के टिकट अपने आप से आप ईमेल से बुक करवा देते हो। आपको जैसे ही आप मोबाइल में से अपना ईमेल नंबर में से दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके जाने के लिए कोई भी रोकेगा नहीं आपको। तो इसीलिए चल दूर भाष यंत्र यानी मोबाइल की जरूरत होगी और मोबाइल में ईमेल में आपका नाम सुरक्षित होगा। इसीलिए सो करिए यानी सभी तरह से वयम यानी हम लोग यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं और हमें कहीं और जगह जाना हो तब भी हम जा सकते हैं। चिकित्सालय भी उपचारार्थ रुपयकाणाम आवश्यकताध्य आवश्यकताध्य नानु भूयते। यानी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं उसमें भी रुपये की जरूरत नहीं है।
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, यानी डॉक्टर्स को फीस देने की आपको पूरा है, हॉस्पिटल का जितना भी ट्रीटमेंट का आपका पेमेंट करना है वो आप डायरेक्ट आप अपने कैश कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यानी आपको रुपयों की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप कार्ड के माध्यम से स्वैप करके और आप उनके अकाउंट में डाल सकते हो पैसा। तदिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूर भाष यंत्र मादय सर्वाणी कार्याणी साधयितुं समर्थः भविष्यामः। तदानीं यानी अब दिन दूर नहीं, यदा यानी वयम यानी हम लोग अपने हाथ में एकमात्र केवल एक यंत्र रखेंगे मोबाइल, चल दूर भाष यंत्र में यानी मोबाइल सर्वाणी कार्य सभी कार्य को सिद्ध कर ले, साधयितुं यानी सिद्ध कर यानी समर्थ, समर्थ यानी सामर्थ्य है, द मोबाइल इज कैपेबल टू ऑल वर्क डूइंग बाय देमसेल्फ, अपने आप से सारा काम पूर्ण कर देगा इन फ्यूचर, भविष्य में यानी भविष्य में हमें सिर्फ मोबाइल रखनी पड़ेगी। आप देख लो अभी कोविड 19 हुआ है तो आप लोग अपने घर बैठे सारा होमवर्क ले लेते हो, सब टीचर से अपने होमवर्क चेक करवा देते हो, तो ये किससे संपन्न हो रहा है, मोबाइल से, यानी आपके पास भी मोबाइल है, हम अपने मोबाइल से आपको होमवर्क सेंड करते हो आपको मिल जाता है, तो ये सारा काम जो है दूरभाष चल दूरभाष यानी मोबाइल से संपन्न हो रहा है। वस्त्रपुट के रुपयकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के यानी हमारे जो जेब होती है ना, सब बच्चों के पास में पैंट में जेब होती है, अपने पास में अपने सब अपने अपने पास जेबें होती है, तो उस जेब में वस्त्रपुट के यानी आप जो पर्स रखते हो पर्स के अंदर रुपये रखते हो ना उसकी भी जरूरत नहीं है, कितना ईजी हो गया। पासबुक पासबुक चेकबुक इतनयो आवश्यकता न भविष्यन्ति, आपको बैंक में से पासबुक दिखाओ चेक दो ये सब की कोई जरूरत नहीं है। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्य प्रायः भविष्यति, इसीलिए पठनार्थ पढ़ने के लिए पुस्तकें जो आपका ओवरलोड लेके आते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आप अपने चैप्टर लिखोगे अपने आप से आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, है ना बच्चों बहुत अच्छी बात। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदर्श्य व लिखने के लिए अभ्यास पुस्तकों के लिए कागज, लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी आपकी नोटबुक में कागज की नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशी, यानी आपको नए वर्ड्स ढूंढने हैं तो आपको डिक्शनरी की जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, यानी आपको कई बार जाना है तो आप उसमें अपने पाथ फाइंड करना चाहते हो तो उसमें भी आपको मैप है मोबाइल के अंदर, तो आप उसको सर्च कर देंगे आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है और कौन कौन सी जो होटल्स आएगी बीच में, कौन कौन से प्लेस पे आपको अच्छे टूरिस्ट प्लेस है आपको तुरंत से पता लग जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है बच्चों के लेखनार्थ यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या नोटबुक में कर्गदर्श यानी पेपर्स की जरूरत नहीं है, दूसरा नूतन ज्ञान नए ज्ञान के लिए आपको डिक्शनरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपरिचित यानी कोई अननोन प्लेस जाना है आपको तो आप फटाफट से अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हो मैप के अंदर कि आपको कौन से डायरेक्शन में और कौन कौन सी प्लेस पे जाना है। एतत सर्व एकेनेव यंत्रेण कुर्तु, ये सभी एतत यानी ये सर्व यानी सभी एकेनेव सिर्फ एक ही यंत्र यानी चल दूरभाष यंत्रेण संपूर्ण कार्य कर देता है, मोबाइल आपका सब काम पूरा कर ये सक्य थे यानी सक्य है, यह बात सही है कि आने वाले भविष्य में मोबाइल हमारा सारा काम पूरा कर देगा। साकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम ग्रहेशु कक्षम सुनिश्चितम कुर्तम, शाकादि यानी सब्जी मार्केट गए आपने सब्जी खरीदी क्रय की खरीदी क्रय मैंने खरीदना और फल खरीदने गए और विश्राम ग्रहेशु यानी आपको कहीं जाना है वहाँ पे आपको होटल बुक करानी है पहले रेस्ट आपको होटल का कमरा बुक कराना है तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल आपका कर देगा। चिकित्सालय शुल्क प्रदातु, चिकित्सालय में हॉस्पिटल में आपका फीस भी दे देगा, फीस भी आपका बैंक से ट्रांजैक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुम,
आपको चेक लिख करके या कैश देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मोबाइल से उस बैंक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट से उसमें अपना ट्रांजेक्ट और ट्रांसफर हो जाएगा आपका फीस। किम बहुना दानवपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेन अलम, यानी अब तो चैरिटी दान देने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैरिटी में आपका अपने आप से आपका फंड में से अकाउंट में से नंबर पैसे कैश जो है वो अपने आप से दान दाता के पास में चले जाएंगे। अलम यानी ये भी कार्य करने में सामर्थ्य हासिल है मोबाइल को। डीजी भारतम इति अश्याम दिशि वयम भारतीयाम द्रुतगत्या अग्रेसराम, यानी डीजी भारत जो है इति डीजी भारत जो है हमारा अश्याम अभी इस दिशा में हमारे वयम यानी हम भारतीयों का बहुत जल्दी से प्रगति हो रही है डीजी भारत डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया के कारण, यानी जो हमारे कंप्यूटर बनाने वाले हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं बच्चों, मोबाइल बनाने वालों को जिन्होंने हमारा काम बहुत ही सरल और आसान बना दिया है और हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है हम, क्योंकि पर्यावरण से हमारे पेड़ नहीं कटेंगे तो हमें सांस लेने में ऑक्सीजन ज़्यादा मिल पाएगी और हम आराम से रह पाएंगे। इस तरह से बच्चों चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, आप वीडियो अच्छे से देखिएगा सुनिएगा और शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा आपको इंग्लिश और हिंदी से संस्कृत में थोड़ा पढ़ने में होगा, लेकिन जब मैंने आपको उच्चारण बताए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आप खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा। शब्दार्था जिज्ञासा माने इच्छा होना, उत्पद्यते उत्पन्न होना या होती है एक्साइटमेंट होता है ना अपने में उत्पन्न होना, परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में यानी आने वाले समय में पहले क्या था अब परिवर्तन यानी समय परिवर्तित होता जा रहा है, अंतरम बाद में, कर्गदश्य कागज का, प्रविधि यानी टेक्नोलॉजी विधि, चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रम यानी हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण यानी आसानी से सुगमता से इज वेरी इजी, संदर्श्य यानी दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके यानी जेब में, द्रुत गतिया यानी तीव्र गति से, शुल्कम यानी फीस। अब ये आपके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, कुत्र डिजिटल इतस्य चर्चा है भवति सर पूरे संसार में, तो आंसर क्या होगा इसका, संपूर्ण विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित है, काल परिवर्तित यानी समय बदलते ही मानव की आवश्यकताएं बदलती गई, आपने वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्य न भविष्यति, रुपयाणाम आवश्यकता न भविष्यति, इसका आंसर होगा आपका रुपयाणाम। थर्ड का आंसर क्या है बच्चों, ये देखो रुपयकाणाम आवश्यकता अनिवार्यता नास्ति, तो आंसर रुपयकाणाम। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कौन से उद्योग में, कर्गदज उद्योग यानी कागज के उद्योग, कर्गज ये देखिए आप लिखा है ना यहाँ पे कर्गदस्य उद्योग, कथम न्यूनता यान्ति, अध सर्वाणी कार्याणि केन साध्यन्ति भवन्ति, तो अभी सारे काम हमारे किससे होते हैं, चल दूरभाष यंत्रम से, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सब का क्वेश्चन के आंसर हैं, मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें से आप देखिएगा और अपने वर्कबुक में फिल करना, ये क्वेश्चन ही रिलेटेड हैं सारे आंसर उसमें, तो वर्कबुक में आप करेंगे ठीक है बच्चों, बुक में से सिर्फ आपको ये जो वर्ड्स हैं शब्दार्थ हैं वो आपको कॉपी में लिख रहे हैं, बाकी चैप्टर को समझ के वर्ड शब्दार्थ जो कॉपी में लिख लिखे हैं, बाकी पीडीएफ मैंने वर्कबुक भी बनाई है उसमें से आप देख लीजिएगा आंसर और उसमें वर्कबुक में फिल करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।